हेलो स्टूडेंट्स, आप सब आनंद में होंगे। आप सब लोगों की जो तैयारी है वो बहुत बढ़िया चल रही होगी। अभी आपकी जो एग्ज़ाम है 2022 की, ये 30 अप्रैल को एग्ज़ाम है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या क्या सावधानी रखना है, क्या चीज़ें साथ में ले जानी है, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ जो आपकी तैयारी है वो बहुत बढ़िया चल रही है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप इस एग्ज़ाम में ज़रूर सफल होंगे। सबसे पहले आपने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करवा लिया होगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि जहाँ पर आप 5वीं पढ़ रहे थे, ठीक है, उस स्कूल के जो हेडमास्टर है, ठीक है, उनके आपको वहाँ पर उस प्रवेश पत्र पर आपको वहाँ लिख रखा है सिग्नेचर आप हेडमास्टर जो है विथ सील, मतलब सील भी लगाएंगे और उसके ऊपर साइन भी करेंगे, वो एडमिट कार्ड आपको परीक्षा में ले जाना है। सबसे पहले उसमें देखना आपको कि आपका सेंटर कहाँ पर है। सेंटर की जानकारी आपको अच्छी तरह होना चाहिए कि सेंटर कितना दूर है अपने घर से, है ना। और आपको एनी हाउ किसी भी कंडीशन में आपको 10:30 बजे वहाँ पहुँचना है, 10:30 पर आपको वहाँ पहुँचना है, ताकि आपकी जो एग्ज़ाम है वो जो है अच्छे से हो जाए। मतलब कुल मिला के ये कि लेट पहुँचने पर हमें हो सकता है अंदर एंट्री ना मिले, इसलिए आपको टाइम से बिल्कुल आपको पहुंचना है। वैसे आपके एडमिट कार्ड के पीछे लिख रखा है, ठीक है। उसके बाद ये है कि बिना एडमिट कार्ड के आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा, मतलब बिना एडमिट कार्ड के आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले घर से निकलने से पहले एक बार चेक कर ले कि आपने अपना एडमिट कार्ड अपने साथ रख लिया है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि आपको ओनली केवल आपको ब्लू या ब्लैक जो बाल पेन है आपका वो ले जाना है। पेंसिल का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है। उसके बाद व्हाइटनर का उपयोग नहीं करना है, रबड़ का उपयोग नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद देखिए, आपके टोटल जो है 80 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आपको निर्देश को बहुत सावधानी पूर्वक पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या निर्देश दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उस प्रश्न को हल करें, ठीक है। निर्देश में जो दे रखा है उसको आप सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे ना, तो पूरा पेपर आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात ये है कि आपको 80 क्वेश्चन पूरे पूरे अटेम्प्ट करना है। कोशिश पूरी है, क्योंकि माइनस मार्किंग यहाँ है नहीं, आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ठीक है। और रही बात जो है मैथ्स की बात करें, तो मैथ्स में अगर कोई क्वेश्चन आपको कठिन लगता है, जो सवाल है वो बहुत कठिन लग रहा है, तो आप उसमें उलझे नहीं, ठीक है। आप उसमें मान लो 10 मिनट आपने ख़राब कर दिए तो आपका फिर टाइम कम पड़ जाएगा। इसलिए पहले जो सरल सरल क्वेश्चन है जो आपको अच्छे से आते हैं, जिनको आप अच्छे से हैंडल कर सकते हैं, उन क्वेश्चन को आप सोल्व कर ले। और सोल्व करने के बाद ये गलती कभी ना करें कि पेपर में ही देख लिया और बाद में लगा लेंगे निशान OMR शीट में। नहीं, आपको तुरंत हर क्वेश्चन का देख लिया कि इसका उत्तर ये आ रहा है, उसको तुरंत OMR शीट में आपको जो है उस गोले को जो है आपको भरना है, ठीक है। ध्यान रखना इस बात का। और आपको जो सबसे पहला तो आपका मानसिक योग्यता परीक्षा जो मतलब जिसमें आकृतियाँ आती है उसको भी हल करना है, ठीक है। गणित वाला जो भाग है आपका वो भी हल करना है, हिंदी वाला भाग है वो भी आपको हल करना है। तो आपको तीनों में क्वालिफाई होना जरूरी है, तीनों में आपको क्वालिफाई होना जरूरी है। दूसरी बात ये है कि जो आपको वाइटनर का उपयोग नहीं करना, ये मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और आप किसी प्रकार की कोई टेंशन ना ले, कोई लोड नहीं, मन मानसिक किसी प्रकार की भी आप चिंता ना करें, आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छे से संपन्न होगा। बिल्कुल आपकी जो है OMR शीट भरने में जो वहाँ के टीचर होते हैं, जो कक्षा में जिनकी ड्यूटी लगी है, तो वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। बस आपको क्वेश्चन अच्छे से हल करना है, ठीक है। तो किसी प्रकार की भी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। दूसरी बात यह है कि आपको मास्क पहन के जाना है ना। तो उसमें लिख रखा है एडमिट कार्ड में कि आप मास्क पहने, ठीक है। यदि आपको लगता है कि पानी की बोतल भी अपने साथ में ले जाए तो आप बिल्कुल ले जाए, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश ये करना है कि हमें बार बार मतलब बाहर छुट्टी नहीं मिलेगी, टॉयलेट के लिए जाओगे आप तो आपका समय ख़राब होगा, ये आप ध्यान रखना है इस बात का, क्योंकि आपका जो टाइम है वो बहुत कीमती है। हर क्वेश्चन के लिए निर्धारित समय है, इसलिए आप पूरा पेपर जो है पूरा पेपर हल करें। एग्ज़ाम होने के बाद आपको जो OMR शीट मिलेगी वो वही जमा होगी, उसको आपको सबमिट करवा के ही घर आना है, ठीक है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आप जो है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। आपने अच्छी मेहनत की है, अच्छा प्रयास किया है, ठीक है। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप मन लगा के अभी एक दो दिन और बचे हैं, आप अच्छी कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।